तो देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 कितने भी पार्टनर्स हैं, तो वो जो पार्टनर्स होते हैं वो मतलब हर चीज में बराबर बराबर के पार्टनर होते हैं, या कई जगह ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो उन्होंने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करा है उस हिसाब से उनकी पार्टनरशिप जो है वो डिफाइन करी जाती है कि उनका कितने परसेंट का कितने परसेंट कितने कितनी कितनी परसेंटेज का उनका पार्टनरशिप है। कई जगह रेशो बताया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि 50-50 पार्टनरशिप, तो 50-50 पार्टनरशिप का मतलब ये है कि 50% एक पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट का और 50% दूसरे पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में लॉस होता है, तो लॉस में भी ये है कि 50% लॉस एक पार्टनर बियर करेगा, 50% लॉस दूसरा पार्टनर बियर करेगा। मान लीजिए कि अगर रेशो दे रखा है, तो रेशो में ये है कि 1:1, मतलब बराबर बराबर का रेशो, मतलब 1:1। और अगर मान लीजिए रेशो दे रखा है कुछ अलग, 2:1, 3:1, तो मतलब वो उस हिसाब से होता है। तो हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे उसमें यही देखेंगे कि अगर प्रॉफिट है तो हर पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी बिजनेस में, और अगर लॉस है तो हर पार्टनर को कितना कितना लॉस उठाना पड़ रहा है, हमें ये देखना है यहाँ पर। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, और बस रेशो है, रेशो का अगर हमको सही आइडिया है तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे इसके क्वेश्चंस को। तो इसमें आप नोट करें कि इफ नोट करें इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द प्रॉफिट शेयरिंग इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन पार्टनर्स बी इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन पार्टनर्स बी a1:a2:a3:... like this an, then if the profit sharing ratio of n partners be this, capital P is the total profit फिर इसमें हम नोट करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू a1 upon a1 plus a2 plus... टिल an मल्टीप्लाइड बाय p, ये पहले पार्टनर का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a2 upon a1 plus a2 plus... टिल an मल्टीप्लाइड बाई पी। तो ये प्रॉफिट्स हो गए इस तरीके से। अगर अलग अलग पार्टनर्स हैं, अलग अलग पार्टनर्स के प्रॉफिट निकालने हैं, तो वो ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम उनके अलग अलग प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। अब आप इसके क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 4.3 पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। पेज नंबर 4.3 एग्जाम्पल 1, ठीक है। कृतिन ज्वाइन कर, अभी ज्वाइन किया है? यस सर। अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम आज आओगे शायद।
सर वो दूसरी ट्यूशन होती है सर, वो 9 बजे खत्म होती है। अच्छा, वो ऑनलाइन होती है? नहीं सर वो ऑफलाइन ही होती है। अच्छा, अभी बस ये बताया है, नया चैप्टर शुरू करा है पार्टनरशिप, अभी बस ये बताया है कि अगर मान लीजिए एन पार्टनर्स हैं किसी भी बिजनेस में, तो हम ये कहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर दे रखा है हमको, पहले पार्टनर का A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3, A1:A2:A3 एंड लाइक दिस AN तक अगर दे रखा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि टोटल प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में कैपिटल P है, और हमसे ये बोला जाए कि आप फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट बताओ, फिर फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा, तो हम कैसे करेंगे? A1:A1+A2+... A N × P। इसी तरह से सेकंड पार्टनर का रेशियो प्रॉफिट कितना होगा? A2:A1+A2+A3……A N × P। थर्ड पार्टनर का होगा तो A3 आ जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा सारे रेशियो का टोटल। ऐसे ही किसी का भी अगर पूछा जाए, फिफ्थ पार्टनर, सिक्स्थ पार्टनर, तो उसका रेशियो ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे रेशियो उसका सब नीचे, मल्टीप्लाइड बाई पी, ऐसे करके निकलता है। ठीक है, अभी बस इतना बताया। अब क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 4.3, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 इसमें है, XYZ इन्वेस्टेड ₹1,26,000, ₹84,000 एंड ₹2,10,000 रिस्पेक्टिवली इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। फाइंड देयर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ₹2,42,000 आफ्टर अ ईयर। ठीक है, तो जो उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जो उन्होंने बिजनेस में पैसा डाला है, उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिफाइन होगा। तो हम ये कहेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज, जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही प्रॉफिट शेयरिंग होगा। एक मिनट वेट करें प्लीज। तो उनका रेशियो क्या है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, 1,26,000, 1,26,000 इज टू 84,000 इज टू 2,10,000। तो तीनों में 3 0 आ रही है, तो 3 0, 3 0 और 3 0 ये तो कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये किसके टेबल में आता है, चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6 42, और 210 मतलब कितना हो गया, 105। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 321 जा 314 जा और 335 जा। देयरफॉर A1:A2:A3, तीन पार्टनर है तो सेवन मैं, से भी कट कर सकते हैं ना अभी अरे हाँ भी? 7 से भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, 7 3 जा 7 2 जा 7 5 जा, तो ये हो गया 3:2:5, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। वो बिजनेस करते हैं और 1 साल बाद उनको प्रॉफिट होता है टोटल 2,42,000 का, तो हम ये कहेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स एक्स का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा,
a1 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू पी, तो a1 क्या है 3 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 5 इंटू पी, पी कितना है 242,000। थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, तो थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई बाई 242,000, 10 से 10 कट गया, तो 3 0s are 3, 0s are 3, 2s are 6, 3 4s are 12, 3 2s are 6 और 1 7, ₹72,600। ये तो प्रॉफिट शेयर हो गया एक्स का, प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 upon 10। मैं बार बार ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, 2 upon 10 इंटू 242,000, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 48,400 ये प्रॉफिट शेयर हो गया वाई का। इसी तरह से प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड, जेड का कितना होगा, जेड का रेशियो सबसे ज्यादा 5, तो 5 upon 10 मल्टीप्लाई बाई 242,000, 0 से 0 कट गया, तो 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 2s are 10, 1 carry आ गया, 5 4s are 20 और 1 21, 2 carry आ गया, 5 2s are 10 और 2 12, 121,000, तो ये इसका शेयर हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में है, यहां पर भी 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 times द कैपिटल ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 2,97,000। ठीक है, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ये दे रखा है ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो एक ही बात है, एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 times द कैपिटल ऑफ सी, तो ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, अच्छा ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ठीक है, लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एक्स, अगर ए का इन्वेस्टमेंट एक्स है तो 2 into x इज इक्वल टू 3 into कैपिटल ऑफ बी, ठीक है, तो कैपिटल ऑफ बी कितना हो गया, टू एक्स अपॉन 3, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर, है ना, ए का इन्वेस्टमेंट तो एक्स हो गया, और ट्वाइस और इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस कैपिटल ऑफ बी, तो कैपिटल ऑफ बी इतना हो गया 2x/3। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 times द कैपिटल ऑफ सी, कैपिटल ऑफ बी इज 4 times द कैपिटल ऑफ सी, ठीक है, तो कैपिटल ऑफ बी कितना था 2x/3,
इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल ऑफ सी, 2 1 2 2 2 4, ये 2 को नीचे ले आओ तो कैपिटल ऑफ सी कितना हो गया एक्स अपॉन 6। एक्स अपॉन 6 हो गया, ठीक है। तो अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ ए बी एंड सी विल बी A1 is to A2 is to A3। क्या हो जाएगा, A का कैपिटल कितना X, B का कैपिटल कितना 2x/3 और C का कैपिटल कितना x/6। अब क्या करेंगे इनको ना ढंग से सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब प्रॉपर रेशो पता कि मेरे को पता चल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा तीनों का डिनोमिनेटर सेम बना लूंगा। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाएगा, ये जो x है इसमें तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। रेशो ये जो 2x/3 है इसमें ऊपर मल्टीप्लाई 2 से कर दो, नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर दो, मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इनमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो पहली टर्म में मैंने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा, दूसरी टर्म में मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि 6 बन जाए, और रेशो तीसरा टर्म एज इट इज छोड़ दिया। तो अब इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो तीनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, तीनों में x आ रहा है, तो x x और x कैंसिल आउट हो गया, तो रेशो क्या आया 6 is to 2 2 4 is to 1, ये रेशो आ गया A1 is to A2 is to A3। बताइए ये क्लियर है? Yes. ठीक है रतिन, क्लियर है? Yes sir. ठीक है, उसके आगे फिर मैं चलता हूं। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई बिजनेस करके उनको प्रॉफिट होता है, कोई बिजनेस करके उनको प्रॉफिट होता है 2,97,000 का, 2,97,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू A1 upon A1 plus A2 plus A3 इंटू पी। A1 कितना है 6, तो 6 upon 6 plus 4 plus 1, मल्टीप्लाई बाय 2,97,000, 6 upon 11 मल्टीप्लाइड बाई 2,97,000, 11 2 22 29 minus 22 हो गया 7 7 7 77, 11 7 77, 0 0 0, 6 7 42, 6 2 12 or 4 16, आगे 3 0 लगा दो, प्रॉफिट ऑफ ए हो गया। फिर इसी तरह से निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ बी, तो देखिए टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसका रेशियो क्या था 4, तो 4 upon 11 इंटू 2,97,000, ये कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा 27,000, 4 7 28, 4 2 8 or 2, 10 108 000 1,08,000, ये इसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी सॉरी, ये क्या हो जाएगा लास्ट में क्या है 1 upon 11 मल्टीप्लाई बाय 2,97,000, तो ये हो गया 27,000, ये हो गया ₹27,000 प्रॉफिट ऑफ ए बी और सी, ये कैलकुलेट हो गया। बताइए जी समझ गए? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में है ए बी सी एंड डी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप।
तो चार पार्टनर हैं, अभी तीन पार्टनर नहीं है, चार हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी सब्सक्राइब 1/3, 1/4, 1/5 ऑफ द कैपिटल रिस्पेक्टिवली एंड डी द रेस्ट। ठीक है, हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2460। ठीक है, तो अब जरा देखना कैसे करेंगे इसको। यहां पर मैं इस तरफ कर रहा हूं उसको, तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री में इन्होंने बोला कि ए ने लगाया 1/3, ए बी सी सब्सक्राइब 1/3, 1/4, 1/5 ऑफ द कैपिटल, तो लेट द टोटल कैपिटल बी एक्स, लेट द टोटल कैपिटल बी रुपीज एक्स। तो ए इज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी हुई, उसने लगाया 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 इंटू एक्स, यानी कि एक्स अपॉन थ्री। बी इज कैपिटल, बी ने कितना लगाया 1/4 इंटू एक्स, यानी कि ये हो गया एक्स अपॉन फोर। सिमिलरली सी इज कैपिटल, सी ने कितना लगाया 1/5, 1/5 ऑफ एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन फाइव। और डी ने कितना लगाया, इनमें से बचा हुआ जो भी बचा है वो बचा हुआ सारा डी ने लगाया, तो डी इज कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन फाइव। तो बचा हुआ पैसा जितना भी है वो डी ने लगाया, तो टोटल कैपिटल इतना लगाया था, उसमें से इन तीनों का जो है वो ऐड कर दिया, और ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे, 3, 4 और 5 एलसीएम क्या आ जाएगा, शायद 60। 320 is 60 और 20 into x 20x, 4 15 is 60, 15 into x 15x, 5 12 is 60, तो 12 into x 12x, x माइनस 20 plus 15 कितना हो गया 35, 35 और 12 कितना हो गया 47, 47x अपॉन 60। अब ये हो जाएगा 60x माइनस 47x अपॉन 60, तो 60 माइनस 47 कितना हो जाएगा 13, 13x अपॉन 60। तो ये लगाया पैसा डी ने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a1 is 2 a2 is 2 a3 is 2 a4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री इज टू एक्स अपॉन फोर इज टू एक्स अपॉन फाइव इज टू 13x अपॉन 60। तो अब सबका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना चाहता हूं मैं 60, तो वो तो बन जाएगा बड़े आराम से। यहां तो 20 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 20x अपॉन 60, यहां 15 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 15x अपॉन 60, यहां 12 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 12x अपॉन 60, और यहां ऊपर नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 13x अपॉन 60 ये है ही, 60 60 60 60 कैंसिल, एक्स 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 ये भी कैंसिल। तो बेटा इसका रेशियो आ गया 20 इज टू
15:12:13, ठीक है, तो ये इनका रेशो आ गया। अब वो पूछ रहे हैं हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2460। तो 2460 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसको किस तरह से वो डिवाइड करेंगे? तो आप करिए प्रॉफिट ऑफ ए तो ए का रेशियो क्या था 20 अपॉन सबका एडिशन 20 + 15 + 12 + 13 20 + 15 + 12 + 13 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 2460, ठीक है। तो 13 और 12 हो गया 25, 25 और 15 हो गया हमारा 40, 40 और 20 हो गया 60, 20/60 मल्टीप्लाइड बाई 2460, 0 से 0 कट गया और 6 × 4 = 24, 6 × 6 मतलब 41 आ गया, ठीक है। अब आप एक बात देखो कि हर एक में ये टोटल तो नीचे वाला सेम आएगा और ये इसी को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब आपको 20 को 41 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधे सीधे। तो ये कितना हो गया 41 × 2 कितना हो जाएगा 82 पे आगे 0 लगा दो, ₹820, ये तो ए का शेयर हो गया। ऐसे ही अगर मुझे बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट ऑफ बी, तो जैसे 20 × 41 करा, अब 15 × 41 करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. ये डिनोमिनेटर में 60 तो हर एक में आएगा, 2460 हर एक में आएगा, तो बार बार डिवाइड करने से बेटर तो ये है ना कि आप 15 × 41 कर दो। बताओ कृतिन, क्लियर है? कृतिन समझ में आ रहा है? 15 × 1 = 15, 1 कैरी आ गया, 15 × 4 = 60 और 1 = 61, तो ये हो गया ₹615। ऐसे ही प्रॉफिट ऑफ सी, सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12 × 41, तो 12 × 1 = 12, 1 कैरी, 12 × 4 = 48 और 1 = 49, ₹492। फिर है प्रॉफिट ऑफ डी, डी का प्रॉफिट कितना है 13 × 41, 13 × 1 = 13, 1 कैरी, 13 × 4 = 52 और 1 = 53, ₹533, ठीक है जी। तो ये इनके चारों के प्रॉफिट का शेयर आ गया। इसी तरह से अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। थ्री पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹14,000 इन अ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर वन गॉट ₹337.50, द सेकंड गॉट ₹1,125 एंड द थर्ड गॉट ₹637.50 एज प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट डिड ईच इन्वेस्ट, हर एक ने कितना इन्वेस्ट करा था, क्योंकि अब ये आ गया है कि तीनों का प्रॉफिट कितना कितना आया है वो आ चुका है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों ने इन्वेस्ट कितना करा था वो क्या होगा, टोटल कैपिटल चलिए निकालते हैं। एग्जांपल नंबर 4, तो अब आप ये देखो कि सबसे पहले जो इनके प्रॉफिट आए हैं ना, जो प्रॉफिट आए हैं तो जिस रेशो में इनको, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो जो इनके प्रॉफिट्स आए हैं अब कैलकुलेट करके उनका रेशो करेंगे तो यही A1, A2, A3, A4 आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई? अगर मैं इसको 820, 615, 492 और 533, अगर इनको, इनका मैं रेशो कैलकुलेट करूं तो क्या है कि 13 × 41, 12 × 41, 15 × 41 और 20 × 41, तो इन सब में 41 आ रहा है, तो 41, 41, 41 सब कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो फिर इनका वही ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा, 20, 15, 12 और 13, वही ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा इनका। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि प्रॉफिट ऑफ ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 337.50। प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी ये है 1125। प्रॉफिट ऑफ सी ये कितना है, 637.50। तो ये इनका प्रॉफिट है, तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो वही आ जाएगा। देयरफॉर A1:A2:A3 = ये हो जाएगा 337.50 रेशो 1125 रेशो 637.50। ये है। अब क्या करें, अगर यहां से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, ठीक है, अगर यहां से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो अब क्या करना होगा, ये तो हो गया 337.50/100 रेशो, इसमें भी मुझे अपॉन में 100 चाहिए, तो 1125 दो जीरो ऊपर लगा दो और नीचे 100 लगा दो, रेशो 637.50/100, तो 100 100 100 ये कैंसिल आउट, 0 0 0 ये कैंसिल आउट। अब मुझे लगता है ये 25 से कैंसिल आउट होगा आराम से, तो 33 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 8 8 7 87, 25 3 77 87 87 माइनस 75 12 125, तो 25 5 125, ठीक है, फिर इसको करते हैं तो 25 4 100 112 माइनस 100 क्या हो गया, 12 12, और आगे 5 लगा दिया 125, 25 5 125, और आगे 0 है 450। इसको करते हैं 25 2 25 2 50, 63 माइनस 50 कितना हो गया, 13 137 137, तो 25 5 125 137 माइनस 125 12 आ गया, तो फिर से 12 आ गया, 5 125 25 5 125। उसके बाद 135 आया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 1 मिनट, 15 से हो रहा है क्या ये, क्योंकि 15 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 15, हाँ जी 15 से हो रहा है, तो 15 9 135, 15 30 450, और 15 1 15, तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 105 आया, 15 7 105। तो बेटा ये रेशियो आ गया इसका 9:30:17, बताइए क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? ओके, तो ये तो हमारा रेशो आ गया। अब इसके बाद में फिर वो पूछ रहे हैं कि हमको जब ये रेशो आ गया तो हर एक ने कितना कितना पैसा लगाया था, वो पैसा देख रहे हैं जरा। अब देखो मैं ये कहता हूं यहां से कि भाई ये जो तीनों ने
ये जो तीनों का प्रॉफिट है, अगर इसको टोटल मैं ऐड कर दूं, अगर इसको टोटल को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं पहले टोटल प्रॉफिट निकालता हूं। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 337.50, 11.25 और 637.50। 0 + 0 = 5 + 5 = 10। 1 कैरी आ गया, 1 + 7 = 8 + 5 = 13 और 7, 13 और 7 कितना हो गया, 13 और 7 हो गया 20। 2 कैरी 2 + 3 = 5 और 2 = 7 और 3, 7 और 3 10। अगेन 1 कैरी, 1 + 3 = 4 + 1, 1 + 3 = 4 + 1, 5 + 6 = 11। एक मिनट, कुछ गलती करी क्या? 2 = 3 = 5 + 2 = 7 + 3 = 10। 1 कैरी 1 + 3 = 4 + 1 = 5 + 6 = 11। 11 हो गया, 1 यहाँ आ गया। तो टोटल प्रॉफिट इज ₹2100। ये टोटल प्रॉफिट हो गया जिसको हम पी बोल देते हैं। A1, A2, A3 ये हमारे पास आ ही गया, ठीक है। तो अब इसके बाद टोटल प्रॉफिट आ गया और तो मैं ये कहूंगा कि प्रॉफिट ऑफ ए ये कैसे निकलेगा, a1 upon a1 plus a2 plus a3 into p, ये हो गया। और इससे मेरा आएगा प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए कितना, 337.50। मेरे पास a1 a2 a3 ये भी है, प्रॉफिट भी है और टोटल प्रॉफिट ऑफ ए भी है, है ना। टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ए भी है। तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने दे रखा है ₹14,000 है। तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया और प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, अच्छा देखिए एक काम करते हैं, इन्होंने ना टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है मेरे को। मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट से निकला था, उनका इन्वेस्टमेंट क्या था, x/3, x/4, x/5 और 13x/16। तो इनसे इनका टोटल जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला था। अब मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेरे को एक टर्म मल्टीप्लाई कर देना है x, मैं x मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि उनका कैपिटल कितना है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 9:30:17, therefore their investment must be, उनका इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा, 9x, 30x and 17x, 9x, 30x and 17x। तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये देखूंगा कि
ये इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से मैं क्या कहूँ कि, और टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 14,000 रुपीज, ये दे रखा है, तो ऐड कर दो तीनों को, 9x+30x+17x = 14,000, ठीक है, तो कितना हो गया, 17 और 9 26 और 30 56, 56,000x = 14,000, सॉरी 56,000 कैसे कह रहा हूँ मैं, 56x, 56x = इतना, तो x कितना हो गया, 14,000/50, 56, 14 1 14 और 1 2 3 0 और 14 4 56, तो 4 4 25 100 और आगे 1 0, एक्स की वैल्यू 250, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, जो हमारा पहला पार्टनर है उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 9 × 250, 9 × 250 कितना हो जाएगा, 9 × 250 हो जाएगा हमारा 2250, ठीक है। सेकंड वाले का कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 30 × 250, थर्ड वाले का कितना हो गया, 17 × 250, कर लेंगे, ठीक है, यस सर ठीक है, तो इतना कर लीजिए, इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं, बस हमारा इन्वेस्टमेंट इतना आ गया, 9x 30x और 17x, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है, ओके सर, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।